गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर। वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज रिक्रिएशन एंड द फैमिली सेलिब्रेशन। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिक्रिएशन एंड फैमिली सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि रिक्रिएशन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चैप्टर रीड करते हैं। जैसे जैसे मैं चैप्टर रीड करूंगी वैसे वैसे आप भी अपनी फिंगर को मूव करेंगे। और आज का आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर होमवर्क, रीडिंग ऑफ द चैप्टर। होमवर्क इज रीडिंग, रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का रीडिंग करना आज आपका होमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। वी नीड सम टाइम टू एन्जॉय अवर सेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। तो जब हम अपना कोई टाइम निकालते हैं पूरे दिनचर्या से, फुल डे से हम थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें वो काम करने के लिए जिससे हमें खुशी मिले, उस टाइम को बोला जाता है रिक्रिएशन। वी हैव सम इंडोर एक्टिविटीज एंड सम आउटडोर एक्टिविटीज। वी हैव सम स्पेशल ओकेजन इन द फैमिली सच एज बर्थडेज एंड वेडिंग। ठीक है, तो हमारे पास रिक्रिएशन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम इंडोर कर सकते हैं, जैसे डांस कर सकते हैं, आप गाना सुन सकते हैं, कुछ लोगों को घर सजाने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है, खाने को सजाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इंडोर गेम्स खेलना अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको खुश कर दे, जो जिसको करने से आपको अच्छा लगे, उसको रिक्रिएशन बोला जाता है। ये कुछ इंडोर है, कुछ आउटडोर होती है, जैसे आप लोगों को खेलना बहुत पसंद है, बच्चों को शरारत करना इतना पसंद लगता है, तो शरारत करना भी एक रिक्रिएशन हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। पर शरारत नहीं करनी चाहिए, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ फैमिली सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे बर्थडेज हो गई, किसी की वेडिंग हो गई, किसी का एनिवर्सरी हो गया, तो इन सब पे हम क्या करते हैं, घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं, कुछ पसंद का अच्छा सा खाना बना लेते हैं और सारे मिलकर नए कपड़े पहनकर खाना खाते हैं। तो कुछ फैमिली सेलिब्रेशंस होते हैं और कुछ जो होती हैं वेडिंग्स होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, या कोई और सेलिब्रेशन आप कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इंडोर में क्या कर सकते हैं आप, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हमने क्या खेला था, कैरम एंड लूडो। ठीक है, तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इंडोर में क्या खेला गया था भाई, कैरम एंड लूडो। वी प्ले लूडो, कैरम, कार्ड्स, चेस एंड सो ऑन। तो इंडोर में हम क्या क्या खेल सकते हैं, देखो गेम्स में हम खेल सकते हैं लूडो, कैरम, ताश के पत्ते खेल सकते हैं, कार्ड्स माने ताश के पत्ते, कुछ ताश का गेम बनाकर खेल सकते हैं। ठीक है, चेस खेल सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर आपके घर में टीटी का टेबल है तो टीटी खेल सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें खेल सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, लिसन टू म्यूजिक, गाने सुन सकते हो, है ना। गाने भाई सबको देखना और सुनना बहुत पसंद है, आजकल तो वैसे भी फैशन में है ये। वी वॉच टेलीविजन, टीवी देखते हैं, पर लॉकडाउन में तो टीवी कम ही देखा गया होगा क्योंकि नए सीरियल्स तो आ नहीं रहे थे, सब पुराना पुराना चल रहा था, देखा देखा है ना। पर महाभारत और रामायण तो सबने देखी होगी ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रामायण और महाभारत ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, वी डांस एंड सिंग, और हम क्या कर सकते हैं, गाना खुद भी गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, है ना, तो अपने समय को एंजॉय कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स में आप मुझे जल्दी से बताओ कि ये क्या कर रहा है भाई। बिल्कुल सही, ये क्या कर रहा है, लिसन, लिसन क्या कर रहा है, सॉन्ग, लिसन द सॉन्ग। ये क्या कर रहा है, कैरम खेल रहा है। ये क्या कर रहा है, टीवी वॉच कर रहा है, क्या कर रहा है, टीवी वॉच कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, द फेवरेट वन ऑफ एवरी स्टूडेंट, डांस, क्या कर रहा है भाई, डांस कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमने करा है कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में वी कैन गो टू द पार्क टू प्ले। ठीक है, तो भाई अब लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, भले ही आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बट यू कैन नॉट गो आउटसाइड इन द प्ले ग्राउंड एंड प्ले। ठीक है, तो आप बाहर जाकर खेल नहीं सकते, पर फिर भी हम आउटडोर के बारे में डिस्कस तो कर सकते हैं ना। कोरोना खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ये एक्टिविटीज़ पक्का करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं। ठीक है भाई, फेयर्स में जाते हैं, फेयर्स माने मेला, मेला वगैरह जो लगता है
उसमें जाते हैं, ठीक है। और कहाँ जाते हैं भाई, एग्जीबिशंस में जाते हैं, आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन हो गया आपका, और लकड़ी के सामान का एग्जीबिशन हो जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें हम जाते हैं। और हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू जू, जू में जाते हैं जहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। और कहाँ जाते हैं, वी गो टू पिकनिक, और कहाँ जाते हैं भाई, हम पिकनिक पे जाते हैं। तो ये देखो, ये जो बच्चा है ये कहाँ पर है, पार्क में है, पार्क में कहाँ पर है, ये स्विंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्विंग, और ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड हिंदी में बोलते हैं फिसल पट्टी, इसको बोलते हैं झूला, है ना। और ये कहाँ पर आया है बच्चा भाई, ये फेयर में आया है, फेयर माने मेला, मेला देखो बैलून ले रहा है, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं ना। और ये कहाँ पर है, जू में, जू में जो है एनिमल्स को केज के अंदर बंद रखते हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और ये लास्ट में हम क्या कर रहे हैं भाई, पिकनिक कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और इस चैप्टर में और क्या दिया, और स्पेशल ओकेजन्स के बारे में दिया हुआ है। स्पेशल ओकेजन्स में हम क्या करते हैं, वी सेलिब्रेट बर्थडेज एंड फैमिली ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भाई, बच्चों के बर्थडे तो पक्का सेलिब्रेट करते हैं, किसी बड़े का करें या ना करें, आप बच्चों का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट होता है, ठीक है। वी हैव वेडिंग इन द फैमिली, अब तो कोरोना चल रहा है तो वेडिंग्स कम हो गई हैं, गेस्ट भी कम हो गए हैं, है ना। बट फिर भी हमारी जो वेडिंग्स होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार होती है, नए नए ड्रेस पहनते हैं सब, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, है ना। तो वेडिंग्स में काफ़ी मज़ा आता है, बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है, पुराने पुराने दोस्त रिश्तेदार सब मिल जाते हैं, है ना। ऑन दीज ओकेजन्स वी हैव लॉट ऑफ फन, इन सभी ओकेजन्स पर हमें बहुत सारा मज़ा आता है, बहुत सारी फोटोज खिंचाते हैं, खूब बड़ा फोटो सेशन रखते हैं, सुंदर सुंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस में फोटो खिंचाते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस चेंज कर 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 फोटो खिंचाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो मेमोरीज बन जाती है। वी पुट ऑन द स्पेशल ड्रेसेस, हम स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, और हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को सबको साथ मिलते हैं, बहुत कम ऐसा ओकेजन होता है जब हम उनको मिल पाते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, दिस इज द फोटो ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये जो है ये शादी पे, देखो दूल्हा है, दूल्हा घोड़े पे चढ़ रहा है, तो ये कहाँ का फोटो है, शादी का है, किसका है, वेडिंग का, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और कोई छोटा फंक्शन रख लेते हैं, ऑन द कमिंग ऑफ द न्यू बेबीज ऐसे करके, तो बहुत सारे फंक्शंस हम रख लेते हैं। तो बाय दिस योर दिस चैप्टर का रीडिंग कंप्लीट हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आज का होमवर्क सभी बच्चे याद रखेंगे, चैप्टर को दोबारा से रीड करना है। चलो तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है, और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, और हैंड वॉश जरूर करते रहना, बिल्कुल याद रखना। थैंक यू।